मैम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया जिसको लेकर के मोदी सपना देख रहे थे यानी मोदी के सपनों को साकार किया है योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दू 2017 से पहले जब हम किसी भी मामलों में देश के उन राज्यों को देखते थे कि जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह के आंकड़ों में देश में यूपी हमेशा नीचे से देखा जाता था।, था कि यूपी को हमेशा नीचे से चाहे किसी भी चीज में हो लेकिन आज 2017 से लेकर आज तक जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है तब से उन्होंने एक के बाद एक इस यूपी को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया लेकिन आज की जो खबर है वो खबर योगी आदित्यनाथ के प्रशंसकों के लिए वाकई में छप्पन इंच करने वाली खबर है और जो युवा जो देश का जो यूपी का युवा बेरोजगारी को लेकर के इस सब चीज़ को लेकर रोना रोता था वो आज आंकड़े आए हैं और जब चीज़ें खुलकर आई हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने और यूपी को पहुंचा दिया है टॉप पर क्या कुछ है खबर आपको दिखाऊंगा अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों का एक और तमगा इस समय जुड़ गया है योगी सरकार ने इज आप डूइंग बिजनेस रैंकिंग यहां सा लंबी छलांग मारी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ने राज्य के रिफॉर्म को लेकर के साल 2019 की सालाना रैंकिंग जारी की इसके मुताबिक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बी ए आर पी दो हजार की रैंकिंग उत्तर प्रदेश बारह नंबर पर था जी हाँ साहब बारह नंबर पर था अब ये सीधा उछलकर नंबर दो पायदान पर काबिज हो गया इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में कारोबार शुरू करना अब आसान हो गया उसे आगे बढ़ाना आसान हो गया है वित्त मंत्रालय ने एक अधिकारी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यूपी ने में ये इज आप यूपी ने ईज आप बिजनेस डूइंग जो है उसकी रैंकिंग में अग्रणी राज्य जो थे उसमें गुजरात तेलंगाना राजस्थान महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके बी आर ए पी में यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में उत्तर प्रदेश के ने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो सिर्फ डी पी आई आई टी कहते हैं कि सुझाव को तो, एक सौ सतासी रिफॉर्म में से एक सौ छियासी रिफॉर्म लागू किए हैं मतलब जो कि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने एक रिफॉर्म के लिए लिस्ट जारी की थी उनमें एक रिफॉर्म को यहाँ पर लागू कर दिया गया है इस बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आया है तीसरे पर तेलंगाना फिर मध्य प्रदेश है यूपी सीएम आदित्यनाथ के ऑफिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश समृद्धि और सृजन के नए सोपान रच रहा है ईज द्वारा यूपी द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गत वर्ष बारह जो बारहवें स्थान के सापेक्ष में इस वर्ष द्वितीय स्थान प्राप्त किया इसका प्रमाण है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना जो है वो साकार हो रही है इसके बाद मैं आपको लिस्ट बता दूं कि कौन कौन से लिस्ट इसमें टॉप टेन में है ईड ऑफ बिजनेस डूइंग में सबसे टॉप नंबर पर आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है तीसरे नंबर पर तेलंगाना है चौथे पर मध्य प्रदेश है पांचवें पर झारखंड है छठे पर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ है सातवें पर हिमाचल प्रदेश है और आठवें पर राजस्थान है नौवें पर पश्चिम बंगाल है गुजरात दसवें नंबर पर, पर खींच चुका है इसके अलावा जम्मू कश्मीर इक्कीसवें नंबर पर, पर है गोवा चौबीसवें नंबर पर, पर है बिहार छब्बीसवें नंबर पर, पर है केरल अट्ठाईसवें पायदान पर पहुंच चुका है त्रिपुरा सबसे नीचे छत्तीसवें यहाँ पर आ उस पर पायदान पर है ईज आप डूइंग बिजनेस को लेकर के रैंकिंग जारी करने का मकसद निवेशकों को आकर्षित करना और राज्यों को में कारोबारी माहौल सुधारने के लिए होता है इस रैंकिंग से पता चलता है कि व्यापार के सुधार के लिए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है जिससे कि निवेशकों निवेशक जो हैं उन राज्य में आकर उन्हें बढ़ाने के लिए और आकर्षित हों ये जो खबर है ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए कार्यों के सराहना वाकई में की जानी चाहिए चलिए वीडियो खत्म करूंगा मैंने रविंद्र सिंह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद